क्लास टेंथ साइंस की सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ मैं। लेसन सेकंड अपन पढ़ रहे थे, पुराने वीडियो पर देख चुके थे, लास्ट वीडियो था ब्रेन के उसके हार्ट के बारे में। ओके, आज बात करेंगे अपन तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहली बात करें कि तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या होता है और कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, इन सब की हम बात करेंगे। तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसको, तंत्रिका तंत्र वो तंत्र जो अंगों को वातावरण के साथ और विभिन्न अंगों को आपस में क्या करता है, तालमेल बिठा के रखता है, सामंजस्य बिठा के रखता है, ठीक है। क्या डेफिनेशन बताई मैंने इस तंत्रिका तंत्र की, विभिन्न अंगों को आपस में तालमेल बिठा रखता है, बाहरी वातावरण से जोड़ने का काम करता है और इस पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। वो अपना क्या कहलाएगा, तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। इसमें होगा ये मानव की बात कर लेते हैं, स्पेशली मानव के अंगों की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका कहलाएगा मानव तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। मानव की बात करोगे तो वो मानव तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। उसकी भी डेफिनेशन यही होगी कि मानव के विभिन्न अंगों को आपस में समन्वय करवाना, बाहरी वातावरण से जोड़ना और उन पे क्या करना, नियंत्रण रखना, ये क्या कहलाएगा, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, अब जो इसकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, एक तो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और क्या आ रहा है, ब्रेन आ रहा है, ठीक है। क्या क्या चीज आ रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो स्पाइनल कॉर्ड, मेदुवज्जू और क्या है, ब्रेन। और क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम किससे आता है, ब्रेन से आता है, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और लार्जेस्ट क्वेश्चन भी वो चीजें बनती है। क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की बात करते हैं, और ब्रेन में भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो है या इसी के अंदर जो वीडियो है उसी में की चर्चा कर लेंगे अपन, इसके अंदर इसके बारे में डिटेल कर लेंगे। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, अवर मस्तिष्क, ठीक है, फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है, और पश्चिम मस्तिष्क, इन ब्रेन। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, थ्री पार्ट में डिवाइड किया है ब्रेन को, फोर, मिड और हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंदी में सुन लीजिएगा, अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर हो गया आपको ये, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपको मतलब क्लियर हुआ है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में उसको बांटा गया है। तो इससे क्वेश्चन पूछ लीजिए आप, क्वेश्चन दे देगा मस्तिष्क किस तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, तो परिधि दे देगा और केंद्रीय दे देगा, आपको याद होना था किसका पार्ट है, परिधि तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स से बना होता है। अब सेंसरी नर्व्स की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे सेंसरी नर्व्स होती क्या है। अब ये सेंसरी नर्व्स जो होती है ये अंगों और ऊतकों में जो उद्दीपक होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, उसको कहाँ पहुंचाती है ये तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहुंचाती है किसको, जो भी स्टिमुलस उद्दीपन होता है उसको कहाँ ले जाती है, सभी अंगों से ऊतकों से कहाँ ले जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाती है। इसको बोलते हैं क्या अपन, सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। और उसके बाद आता है मोटर नर्व्स, चस सपोजिंग काम करता है। अब ये केंद्र में पहुंचा दिया इसने, और केंद्र में जो भी उसके जो भी स्टिमुलस पहुंचे हैं उसके अगेंस्ट में रिएक्शन होगी, वो कहां मोटर नर्व्स क्या जाएगी, सभी टिश्यूज तक या अंगों तक या ऊतकों तक वो जो भी उसका भेजा हुआ जो होता है वो चीजें मोटर नर्व्स कहां ले जाती है, ऊतकों तक और अंगों तक ले जाती है। क्लियर हो गया ये, और ये कुछ क्लियर हो गया, इससे मिलकर बना होता है सेंसरी और मोटर नर्व से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने पार्ट में डिवाइड
पार्ट में डिवाइड किया गया कायिक तंत्र और स्वायत्तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, स्वायत्तंत्रिका तंत्र। क्लियर? अब स्वायत्तंत्रिका तंत्र को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अनुकंपी और परानुकंपी। क्लियर? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। क्लियर हो गया? तो आप देख लिया जैसे स्वायत्तंत्रिका तंत्र को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, परिधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो पार्ट में मिलके बना हुआ है, सेंट्रल नर्व्स मोटर नर्व्स से। ठीक है, मैं बता चुका था कि किसका पार्ट था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था, केंद्रीय नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का क्या था पार्ट था, एग्जाम्पल था कौन, ब्रेन। क्लियर? अब ब्रेन की बात करते हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं, तो क्या डेफिनेशन होती है मस्तिष्क की, क्या है, क्या पार्ट है, क्या कार्य है, क्या वर्क्स इसका। क्लियर? किस प्रकार उपयोग में आता है, पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है, ब्रेन। ब्रेन नहीं हो तो मनुष्य की बॉडी का कोई औचित्य ही नहीं बचता, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं बचती। ओके, तो होते क्या है, 1.5 केजी वेट होता है इसका, कितना, 1.5 केजी का वेट होता है, शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, खोपड़ी द्वारा सुरक्षित होता है, कपाल द्वारा क्या होता है, ये सुरक्षित होता है, और उसके कपाल और मस्तिष्क होता है उसके बीच में क्यूट पाया जाता है, उसको मस्तिष्क में द्रव पाया जाता है, क्यूट बोलते हैं उसको। ठीक है, जो मस्तिष्क को बाहरी आघात उसे क्या करता है, उसकी उसकी रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये तो ब्रेन की जो मेन मेन जो था उसके बारे में था, और ये लगभग सीसी में इसकी जो क्षमता होती है उस सीसी में नोट की जाती है। क्लियर? तभी 1350 सीसी के आसपास क्या ब्रेन की क्षमता होती है। क्लियर हो गया? अब ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में अपन इसकी चर्चा करेंगे अभी फिलहाल में। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, सो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले बता चुका हूं मैं, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क को भी वापस कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की बात करते हैं, मैक्सिमम जो मस्तिष्क का पार्ट होता है वो किससे बना होता है, सेरिब्रम से बना होता है। क्वेश्चन आ जाता है, मस्तिष्क का सबसे ज्यादा पार्ट किसका बना होता है, 80-85% पार्ट किसका बना होता है, सेरिब्रम का बना होता है। क्लियर? और इसके कार्य क्या है, सोचना, ज्ञान, चेतना, विचारना, सोचना, ये सब इसके कार्य है। अगर ये चीज नहीं हो तो सोचने विचारने की क्षमता पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मस्तिष्क के अंदर। क्लियर हो गया? अब इसको भी क्या डिवाइड किया गया है, इसको भी डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट में, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर दायां गोलार्ध, लेफ्ट हेमिस्फीयर बायां गोलार्ध। अब दोनों जो जुड़े होते हैं वो एक पट्टिका द्वारा, एक बैंड द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कार्पोरा कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पस कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पस कोलिजन बोलते हैं। लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर आगे आगे फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गए, कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, दो पार्ट में फिर डिवाइड हो गए, कौन कौन, बाया गोला और दाया गोला। फिर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर पार्ट होता है, कैसा होता है, आउटर पार्ट होता है, ऐसे ऐसा पार्ट, और मेडुला का मतलब अंदर होता है ऐसे, तो आउटर पार्ट होता है, उसमें क्या पाई जाती है, नर्व्स पाई जाती है। इसकी कैसा कलर का होता है, ये ग्रे मैटर कलर का होता है, कैसा होता है, ग्रे मैटर कलर का होता है, जबकि अंदर जो मेडुला है वो व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तंत्रिका की और अनुस्थिति होती है, तंत्रिका नहीं पाई जाती या नर्व नहीं पाए जाते, इसलिए कैसा होता है, ये व्हाइट होता है, और आउटर जो कॉर्टेक्स होता है वो कैसा होता है, ग्रे होता है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, छोटा क्वेश्चन बना जाए, एक नंबर का या आधे नंबर क्वेश्चन बनेगा, तो क्या बनेगा कि मस्तिष्क का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो क्या बात करोगे, ऑप्शन आ जाए सेरिब्रम, सेरिबेलम, उसके बाद अपने ये बोल सकते हैं भाई कि हाइपोथैलेमस के थैलेमस, तो आप नोट कर दीजिएगा और टिक लगा दीजिएगा किस पे, सेरिब्रम पे। क्लियर? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, क्लियर, कितना, 80-85%।
वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन तैयार कर लेना, क्या फंक्शन है इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं थैलेमस की, किसकी बात कर रहे हैं सब, रिस्पॉन्सिव ब्रेन की बात कर रहे हैं, फॉर ब्रेन की बात कर रहे हैं, किसकी, फॉर ब्रेन की। अब बात करते हैं थैलेमस की, थैलेमस क्या है, एक सेरिब्रल को जो कवर करता है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, थैलेमस कहलाएगा। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, संवेदी प्रेरक का केंद्र होता है, सेंसर नर्व्स वगैरह पाई जाती है इसके अंदर, थैलेमस के अंदर पाई जाती है। ये क्लियर हो गया, थैलेमस का वर्क समझ में आ गया, सेरिब्रम का वर्क समझ में आ गया। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद करने के लिए फंक्शन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन। क्लियर, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो डाइसेफेलोन पार्ट होता है, थैलेमस एरिया होता है, ये कहां प्रेजेंट होता है भाई, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, कौन, डाइसेफेलोन भाग जो होता है वो थैलेमस एरिया, थैलेमस से क्या होता है, कवर होता है, तो कहां प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। क्लियर, व्हाट इज फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, भूख प्यास निद्रा ताप थकान भावना भावनाओं का ज्ञान करवाना, ये चीज अगर नहीं हुई हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का डैमेज हो गया तो आदमी भूख से ही मर जाएगा, ज्ञान ही नहीं करवा पाएगा ब्रेन की भाई भूख लगी कि नहीं लगी है, उसको याद ही नहीं रहेगा कि भूख है कि नहीं है, तो ये ताप थकान सब चीजों का क्या करता है, ज्ञान करवाता है। तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं या मिड ब्रेन की बात करते हैं, मिड ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुनो, हाँ, मध्य मस्तिष्क को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर लॉब्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट में या फोर लॉब्स में, चार पिंड में डिवाइड किया गया, दो पिंड कहां पर दिए गए हैं, आगे दिए गए हैं, दो पिंड क्या दिए गए, पीछे दिए गए या ऊपर दिए गए या नीचे दिए गए, दो जो लॉब्स होते हैं अपर लॉब्स होते हैं, दो लॉब्स होते हैं लोअर लॉब्स होते हैं, दो लॉब्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है, देखने के लिए, और दो लॉब्स होते हैं उसका फंक्शन क्या है, सुनने के लिए, ठीक है, क्लियर। प्रत्येक लॉब्स को क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेनम कहते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेनम कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्येक लॉब्स को कार्पोरा क्वाड्रिजेनम बोलते हैं, ये याद कर लेना मतलब मिड ब्रेन में। चलो ठीक है यार, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो करना है, पर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इससे नहीं पूछे जाते, ऐसे वर्ड्स जो आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा हटके होते हैं, जैसे कार्पस केलोजन पट्टी का बैट, ऐसे वर्ड्स होते हैं उसको अच्छे से याद कर लेना, अगर कोई क्वेश्चन बनाता है कोई एग्जामिनर तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या होता है वो एग्जाम में दे देता है। क्लियर, अब बात करते हैं इसकी हिंड ब्रेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं, या अपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी नाम बोल रहा हूँ, तिरंगा, ठीक है, उसके अंदर जो नाना पाटेकर है वो परेश रावल होता है उसको बार बार एक पीछे की तरफ मार रहा था, तो वो क्या बोलता था नाना पाटेकर, अरे यहाँ पर मारा था, यहाँ पर छोटा दिमाग होता है, तो किस दिमाग की बात कर रहा था, किसी दिमाग की बात कर रहा था, हिंड ब्रेन, इसके अंदर था हिंड ब्रेन की बात कर रहा था, ठीक है, हिंड ब्रेन किसके अंदर था, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है, ऐच्छिक जो अपने द्वारा चलाई हुई क्रियाएं होती है, जैसे मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, जो मेरी मसल्स मेरे अकॉर्डिंग काम कर रही है, इस पे कंट्रोल कौन करेगा, सेरिबेलम करेगा। क्लियर, और क्या बताया मैंने, मस्तिष्क का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, इसका मस्तिष्क का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, बट पश्चिम मस्तिष्क का क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है, पश्चिम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और पूर्ण मस्तिष्क का सेकेंड बड़ा पार्ट है, याद हुआ कि नहीं हुआ, सेरिबेलम और मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है और फोरब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है, ये हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है तो ऑल ब्रेन का सेकेंड नंबर वाला पार्ट है। क्लियर हो गया, फंक्शन बता दिया मैंने, सारी ऐच्छिक क्रियाएं होती है उस पर ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इसके बीच में हाँ इसके बीच में क्या है, पॉन्स होता है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सेरिबेलम पॉन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा। क्लियर, अब पॉन्स की बात करते हैं,
कौन से एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ने का। अब ब्रिज काम क्या करेगा, देखो दो किनारों को जोड़ेगा, उसी टाइप ब्रिज इसमें क्या करेगा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा को क्या कर देगा, जोड़ देगा। क्लियर, इसका कोई फंक्शन स्पेशली होता नहीं है। अब मेडुला ऑब्लोगेटा की बात करते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं मध्यांश, क्या बोलते हैं मध्यांश बोलते हैं। अब इसका वर्क जो होती है अनिच्छित क्रियाएं जो मेरे कंट्रोल में नहीं होती है, मतलब मैं चाहकर भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ऐसी जो पेशियां होती है मसल्स होती है उस पर कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। क्लियर, जैसे हृदय की धड़कन मेरे पास में तो है नहीं कि इसको रोक दूं फिर वापस को एक्टिव कर दूं, ऐसा होता नहीं। रक्तदाब ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट बीट ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन जूस होते हैं मेरे कंट्रोल में नहीं होते, उस कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोगेटा करेगा। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस क्या बनेंगे, क्या क्या बनना है मैंने बता दिया आपको, छोटे क्वेश्चंस क्या बनने हैं, मेडुला ऑब्लोगेटा का वर्क देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और इसके पार्ट्स कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, इसके पार्ट्स ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लार्जेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है ब्रेन का, तो आप ब्रेन का डायग्राम और जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको क्या होता है डिवाइड करके पढ़ना बहुत ईजी होता है। अब कंटिन्यू पढ़ोगे तो वो चीज समझ में नहीं आएगी, उसको डिवाइड कर देना और इजीली वो याद रहेंगे उसके फंक्शन। ओके चलिए।